बिग बॉस ओटीटी जब शुरू होने वाला था तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि इस ओटीटी में जो ऑडियंस है उसी का एक बड़ा रोल है, एक बड़ी खिलाड़ी जो है ऑडियंस जो कि खेलेगी इन कंटेस्टेंट के साथ। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के एपिसोड को देखकर कि बिग बॉस ही खुद ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं आज जिस तरीके से दो कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई, आकांक्षा और पलक की। अब आकांक्षा और पलक में से ये तो ये सबको पता था कि आकांक्षा ही रहेगी बिग बॉस के घर में। हालांकि पलक को जो चांस दिया गया वो किस तरीके से एक कहानी जो है वो क्रिएट की गई बिग बॉस की तरफ से। अब क्या कहानी थी जहां पर पहले बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स के सामने ऑडियंस को बहुत बड़ा बना दिया कि भाई ऑडियंस ही है, ऑडियंस एक बड़ी खिलाड़ी है, ऑडियंस जो बोलेगी हम वो करेंगे, ऑडियंस को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। लेकिन अब बाद में क्या हुआ जहां पर उन्होंने ये कहा कि पलक और आकांक्षा में से किसी एक को ऑडियंस जो है चुनेगी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स जिसको मिलेंगे वो बचेगा, जो जिसको सबसे कम मिलेंगे वो जाएगा घर से बाहर। तो बिग बॉस ने एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट करके रखा, पूरा जो मूड है बनाए रखा। सबको लग रहा था कि भाई कौन जाएगा। हालांकि ये बात पता थी कि आकांक्षा तो रहेंगी ही रहेंगी भैया। अभी तो आकांक्षा, जिस तरीके से आकांक्षा ने एंट्री ली है तो सबके लिए एक वो है कि भाई आकांक्षा आई है, आकांक्षा के साथ फ्लर्टिंग होगी, क्या पता वो अभी किसी के साथ जो उनकी क्या प्रेम कहानी में भी शायद शायद शुरू जो है वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अविनाश जो है उनके साथ जो कहानी है बेसिकली बिग बॉस को क्रिएट करनी थी, जिसके चलते उन्होंने पहले ऑडियंस को चढ़ा दिया चने के झाड़ पे और बाद में ये कहा कि भाई ऑडियंस जिसको सिलेक्ट करेगी वो इस घर में रहेगा। फिर बाद में पलक पुरस्वानी को कहा कि आपको जनता की तरफ से कम वोट मिले हैं तो जिसके चलते आपको ये जो शो है छोड़ना पड़ सकता है या आप छोड़ देंगी। लेकिन यहां पर फिर जनता के इस डिसीजन को बिग बॉस ने अपोज कर दिया और कहा कि आप 30,000 रुपये अपने मेट से, अपने कंटेस्टेंट से ले लो, और अगर आप बीबी करेंसी इतनी ले लेते हो तो हम जनता के इस डिसीजन को कट कर देंगे और आपको हम इस बिग बॉस के घर में रहने देंगे, आपको एक जो ऑफर है वो दे दिया। तो यहां पर जो है बेसिकली जनता का पब्लिक फिट जो है वो किया गया है, और जनता से नहीं चलता बिग बॉस, बिग बॉस चलता है खुद के उससे, भाई जिन्हें इन्हें जिताना है, जिस तरीके से कहानी जो गढ़नी है बिग बॉस के घर में वो चीज होगी। क्योंकि अगर पलक निकलती तो अविनाश और पलक की जो ये लड़ाई है आज, जिस तरीके से इनके बीच में जो बहस हुई है, ये सब आपको देखने को नहीं मिलती तो टीआरपी कहां से आएगी, जो कि लॉर्ड सुपरस्टार, पुलिस सुपरस्टार ने कहा था। तुम्हें जरूरत है नल्ले बल्ले, पता नहीं क्या क्या बातें जो है पुनीत सुपरस्टार ने बोली। हालांकि सब लोग यही चाहते हैं कि भाई जो पुनीत सुपरस्टार है वो इस घर में वापस आ जाए और उसके बाद जो असली खेल है वो शुरू हो, क्योंकि जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार की चीजों को देखकर, जो जिस तरीके से एक्ट किया था अपने ऊपर, जो है वो फ्लोर क्लीनर को डाला, टाइल क्लीनर को डाला, और कुछ कुछ जो चीजें हैं जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर वो करते हैं, कभी कीचड़ में घुस गए, कभी कुछ हो गया, तो वो कह रहे हैं ये सब की तो मेरे को आदत है वो बेसिकली। तो इसके चलते बिग बॉस ने को लगा कि नहीं भाई दिक्कत है, ये कुछ भी डाल लेगा क्या अपने ऊपर, कुछ भी हो सकता है, हार्श चीज थी या कुछ भी है। तो बिग बॉस का जो ये है डिसीजन जो है लेना पड़ा। लेकिन जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जब मिलेगा तभी बिग बॉस को टीआरपी जो है मिलेगी। यही बात पुनीत सुपरस्टार को बताती है, और आपको बताते हैं कि ये बात कंफर्मेशन आ रही है कि पुलिस सुपरस्टार जो है वो वापसी जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा कोई क्राइम थोड़ा किया है पुलिस सुपरस्टार ने। भाई जब ऑडियंस के बारे में आप बार बार जो आप बातों को रिपीट करते हो कि ऑडियंस ही सब कुछ है, ऑडियंस सब कुछ है, तो ऑडियंस चाहती है ना भाई बुला लो उस बंदे को वापस, तभी तो असली एंटरटेनमेंट होगा बिग बॉस के घर में। तो अब आपको बताते हैं जिस तरीके से आज एक तरह से जो ग्रुप्स हैं बेसिकली वो क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले बात करेंगे जैद हबीबी हबीब की। हबीब भाई वो तो आकांक्षा ने जैसे एंट्री ली वो तो भैया उस पर लट्टू हो गया, बस ऐसे लट्टू हो गया, बस मतलब अपनी जो प्यार है वो बेसिकली, अपना जो कपल है बेसिकली, ये इस शो में जो है बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मनीषा रानी की आंख में आंसू आ गए ये बात सोच के कि आखिरकार क्या होगा। अब वो तो मनीषा रानी को ही पता है कि क्या वो उस मजाक से हर्ट हुई हैं या वो किस बात से हर्ट हुई हैं, क्या पता ये जो बातें हैं या परेशान कर रही हैं मनीषा रानी को, आखिरकार ये सब चीजें क्या हैं। और वैसे भी जैद हबीब जो हैं वो एक तरह से सबको, सब उनको भवरा ही बोल रहे हैं, एक तरह से फ्री वाईफाई,
और भंवरा जो है वो बोला जा रहा है कि भाई वो भंवरा है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाना है। तो एक फूल, फिर नया एक फ्रेश फूल आ गया आकांक्षा। अब वो आकांक्षा के ऊपर जो है क्या कहते हैं, मंडराने लगा किसी के लिए। अब भैया क्या होगा, क्योंकि अब वो आकांक्षा के साथ जो है बैठना शुरू हो चुका है और अब खेल जो है इसकी शुरू होगा। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो ग्रुप्स जो है क्रिएट हो रहे हैं, अभिषेक मल्हान का, बेबी का, दुर्वे का, मनीषा रानी का, एक तरह से ये एक अलग ग्रुप है। और यहाँ पर जो मनीषा जो है, दूसरी जो मनीषा है, उनके उनके साथ जो है ऐसा लगता है कि अभिषेक मल्हान का जो जो बेसिकली उनका एक बॉन्ड है ना, वो क्रिएट नहीं होने वाला है। वो बॉन्ड जो है वो बेसिकली पहले क्रिएट हो रहा था अच्छा जैद हबीब के साथ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैद हबीब को पसंद नहीं आई कि भाई उन्हें फ्री वाईफाई बोल दिया। कुछ बातों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके चलते उसने ये बोल दिया कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ तुम्हारी इस चीज़ से। तो अभिषेक मल्हान ने भी इस बात को क्लियर करा आकांक्षा के सामने कि भाई तुमने क्या कहा, बातों को तोड़ मरोड़ के अगर आप इन सब बातों को बोलोगे तो दूसरे बंदे को लगेगा कि स्पेशली उस बंदे ने उसके लिए कुछ इस तरीके से बोला है। तो कहीं ना कहीं जैद हबीब जो है वो एक तरह से अपने लव एंगल को क्रिएट में भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं। अट्रैक्शन जो है, इंस्टेंट अट्रैक्शन वो हो गया है, और ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने कहा था कि भाई जैसे ही आकांक्षा अंदर आएगी, और जैद हबीब को बोला था और आकांक्षा को मतलब बोला था, वैसे ही तुम्हारा जो एक एंगल है हम लोग शुरू कर देंगे, ऐसा लग रहा है। तो मे भी शायद कुछ ऐसा एंगल जो है वो शुरू हो चुका है। और अब आपको बताते हैं जहाँ पर बात यहाँ पर होती है अविनाश सचदेवा की, जिसने पलक पुरस्वानी को 10,000 बीबी करेंसी दी। अब 10,000 बीबी करेंसी क्यों दी, क्योंकि उसे रोकना था और वो वैसे भी रुकनी थी। कुछ ना कुछ ऐसा बिग बॉस करते कि जो बंदा अंदर गया वो वापस बाहर बिना एलिमिनेशन के तो नहीं आएगा, अनटिल अनलेस या वो कुछ बड़ी चीज ना कर दे, या किसी पे हाथ ना उठा दे, या कुछ ना कर दे। तो जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार को भी लेकर यही जो बातें हैं सामने आ रही हैं कि भाई वो बंदा भी सामने आएगा, पक्का निकल कर आएगा, मे बी अगले हफ्ते वो आ जाए। और एलिमिनेशन जो है वो आपको कल जो है देखने को मिलेगा कि एलिमिनेशन जो है वो अब चल रहे हैं, मतलब कौन कौन एलिमिनेट, बेसिकली नॉमिनेट जो है वो हुआ है, कौन किसको एलिमिनेट करना चाहता है, तो उनके बारे में भी कल जो है कल के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा। और आपका फेवरेट कौन सा इसमें से किरदार है, क्योंकि किरदार ही बोलेंगे, क्योंकि सबके सब यहाँ पर एक किरदार को क्रिएट कर रहे हैं। और अब जो है लड़ाइयाँ बेसिकली शुरू होगी, जिसमें चंट जो है मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फलकनाश मुझे थोड़ी सी चंट सी लगती हैं, और लाइक पूजा भट्ट जो कि बिग बॉस में साजिद थे, वहीं पूजा भट्ट को एज ए साजिद के तौर पर क्या बिग बॉस लेकर आए हैं, क्योंकि ये वीडियोस भी कहीं ना कहीं सामने भी आ रही थी कि जिस तरीके से लोगों ने ये ऑब्जर्व भी करा है, तो इसी चीज़ को लेकर यही बोल रहे हैं कि भाई क्या पूजा भट्ट इज द नेक्स्ट साजिद ऑफ बिग बॉस। वो बिग बॉस की थी, अभी ये बिग बॉस OTT की साजिद जो है कहीं ये ना बन जाए। और पूजा भट्ट को वैसे भी शायद ये मे बी जिस तरीके से जिताएंगे नहीं, या फिर पहले वाली जो बिग बॉस 15 की जो कहानी है वो सारी कहानी को कट कॉपी पेस्ट करके OTT में वो लाकर डाल देंगे। और विनर कौन हो सकता है, विनर यहाँ पे आकांक्षा ही हो सकती है। ये बात 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 है कि आकांक्षा ही जो है आगे जो है विनर हो सकती है, क्योंकि 42 दिन का ये खेल है। अब 42 दिनों में क्या से क्या हो जाएगा, कितने लव एंगल क्रिएट होंगे, कौन किसके प्यार में पड़ेगा, जहाँ पर अविनाश और जो मनीषा है वो जो दो जब दोनों बात करते हैं तो पलक को मे भी शायद ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जलीसी सी हुई, जहाँ पर पलक ने बोला कि ये इस तरीके से जो सीन जो क्रिएट कर रहे हैं मेरे सामने, जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ इस तरीके से रिएक्ट करूंगी, बट ऐसा नहीं है, है ना। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है बिग बॉस OTT में। वो जनता जो है जिनको सबको लग रहा है, जैसे हमको लगता है कि हमारे इशारों पर ये कंटेस्टेंट है ये नाचेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिग बॉस के इशारों पे ही नाचेंगे। बिग बॉस ने बोलते हैं बिग बॉस ज़्यादा बोलेगा, वैसे ही नहीं ये लोग जो है करेंगे। अब आगे जो बड़े बड़े जो टास्क हैं वो सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीबी करेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बीबी करेंसी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगी, टास्क में हो सकती है, आगे जाके खाने में यूज़ हो, जो उनका राशन है बेसिकली उसमें यूज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ में कैप्टनसी को लेकर यूज़ हो सकती है कि किसको अपना कैप्टन बनाना है। कैप्टन को अगर बरकरार रखना है अपने आप को, तो चाहे वो भूखा पेट रहे, आगे जाके कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा कि बीबी करेंसी को एज अ
उसमें यूज करेंगे कि भाई जिसको कैप्टन बनना है सबसे ज्यादा बीबी करेंसी वो यहाँ पर लाके रख दे, फिर उसको वो सामान नहीं मिलेगा, या जो भी चीजें हैं। बिग बॉस का जो ओटीटी है, ये जो खेल है, ये कट कॉपी पेस्ट जो है वो लग रहा है बिग बॉस सीजन 15 वाला। वेल, मुझे तो यही लगता है। वेल, आप सबको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।